ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का बहुत बहुत जीनियसली मैं स्वागत कर रहा हूं। दर्शकों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में बोलने वाला हूं, जिस फिल्म की हम चर्चा करेंगे, वो फिल्म ऐसे डायरेक्टर की है जिन्होंने एक जमाना था कि बहुत सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। जी हाँ, धर्म साहब के तो वो बहुत बड़े फैन रहे हैं। धर्म साहब को लेकर उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं और उस जमाने में वो जो फिल्में थी वो बहुत हिट रहा करती थी, एक एक्शन पैक फिल्म रहा करती थी, बहुत अच्छी स्टोरीज हुआ करती थी। तो वो जो डायरेक्टर है वो अभी एक नई फिल्म बना रहे हैं, यानी वो रिलीज पर है, और उन डायरेक्टर का नाम है अनिल शर्मा जी। जी हाँ, अनिल शर्मा जी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। अनिल शर्मा प्रोडक्शंस और रॉकस्टार प्रोडक्शन की ये फिल्म है जीनियस। जीनियस इस फिल्म में अनिल शर्मा जी अपने सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा जी को लॉन्च कर रहे हैं। ये इनकी डेब्यू फिल्म है और ये जो फिल्म है वो बहुत ही प्यारी फिल्म है। यार मैं थोड़ा पीछे होकर पकड़ो यार, हाथ आगे करो, शरीर पीछे करो। अनिल शर्मा जी की हमने जो फिल्में देखी वो पूरी मारधार एक्शन पैक फिल्म में रही हैं, लेकिन उनका वो जो फॉर्मूला है वो अभी भी उन्होंने बरकरार रखा है। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष शर्मा और इशिता कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहते हैं। ऐसी ये जो फिल्म है ये फर्स्ट हाफ में लवेबल फिल्म है, कॉलेज की फिल्म है और बहुत अच्छा ड्रामा इस फिल्म में है। इन दोनों के प्यार और ये कॉलेज लाइफ से लेकर ये फर्स्ट हाफ चलता है इस फिल्म का। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ये भी है, तो प्रेम है ना। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आए तो इसका मतलब कोई तो विलन होगा ही। जैसे हम अनिल शर्मा जी के फिल्म में धर्म साहब अगर हीरो है तो सदाशिव अमरा पुरकर ये विलन रहा करते। तो ये जो फिल्म है वो बहुत प्यारी फिल्म है। इसको इंटरव्यू में बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस फिल्म में जो मैं अभी आपको बता नहीं सकूंगा, क्योंकि फिल्म तो आपको देखनी पड़ेगी ना। और अनिल शर्मा जी के सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा इनके डेब्यू फिल्म है, तो फिल्म डेफिनेटली देखने लायक होगी। आपको जाना पड़ेगा थिएटर, कुछ स्टोरीज में ब्रांचेस लेकर कुछ अच्छे अच्छे स्लॉट्स रखे हैं, अच्छे अच्छे उसको सपोर्टिव स्टोरीज रखी हैं। तो वो स्टोरीज है वो सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अनिल शर्मा जी अपने स्टाइल में फिल्म बनाने में बहुत मशहूर हैं। उनकी जो फिल्में हैं उनका एक अलग तौर तरीका होता है, वैसा ही तौर तरीका, वैसी स्टाइल उन्होंने ये फिल्म में भी अपनाई है। और जीनियस ये फिल्म सेकेंड हाफ के बाद और दिमाग वही मार धार वाली फिल्म बन जाए, खेलने देता। बहुत ही एक्शन पैक फिल्म है, बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत प्यारी है, गाने अच्छे हैं, डांस कोरियोग्राफर बहुत अच्छा कोरियोग्राफी की है इस फिल्म में। और ये फिल्म पूरी मसाले वाली फिल्म है, लव स्टोरी से लेकर वो जब ट्विस्ट लेती है तो वो किस मोड़ पे फिल्म जाती है, उसकी स्टोरी कैसी बदलती बदलती है, वो देखने के लिए जीनियस देखना बहुत जरूरी है। तो ये जीनियस जल्दी रिलीज होने वाली है ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए थिएटर्स में, क्योंकि नए कास्ट हैं, नए बच्चे हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं फिल्म रिलीज होने के बाद उनका इम्पैक्ट लोगों पर कितना रहेगा, क्या वो सही में जीनियस साबित होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन फिल्म बहुत प्यारी है, बहुत लैविश फिल्म रख ली, बहुत बहुत खर्चा किया हुआ फिल्म में है।
क्योंकि अनिल शर्मा जी अपने बेटे को लॉन्च करें तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश उन्होंने की है और वो अपने इस काम में डेफिनेट सफल हुए होंगे। ये फिल्म देखने के बाद हमको पता चला कि भाई इनका फ्यूचर क्या रहेगा। डेफिनेटली आजकल डायरेक्टर्स के बच्चे स्टार किड्स आ रहे हैं, बड़ी पैमाने पर आ रहे हैं और आना भी चाहिए। अच्छे अच्छे टैलेंट्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, देखते हैं ये जीनियस क्या करिश्मा कर रहा है करेगा। तो मैं ठाकुर के बिंदास वैसे उमेश ठाकुर जीनियस फिल्म के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और दोस्तों मैं अगली फिल्म जल्दी लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखते रहिए ठाकुर के बिंदास।